क्या मोदी सरकार के लिए फेरबदल एक मौका है बदलाव लाने का? इन दिनों सबकी बातचीत में एक सवाल अक्सर पूछा जा रहा है, आप फेरबदल के बारे में क्या सुन रहे हैं? लेकिन पूछने वाला भी जानता है कि इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट भारत के इतिहास में सबसे युवा कैबिनेट होगी। इसमें PhD, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल शामिल होंगे। इसमें प्रत्येक राज्य और राज्यों के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं मोदी कैबिनेट के बड़े बदलाव के बारे में, जो आज के दिन शाम 6 बजे जगह लेने जा रही है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में 25 नेता OBC से होंगे और इतिहास में ये पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें OBC को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा, और इसलिए कैबिनेट विस्तार के बाद इस देश की पहली OBC सरकार भी कह सकते हैं। और वहीं कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार में SC और ST नेताओं की संख्या 10-10 हो जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उम्र में हिसाब से ये अब तक की देश की सबसे यंगेस्ट काउंसलिंग ऑफ मिनिस्ट्री होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस सरकार में मंत्रियों की औसत आयु सबसे कम होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस सरकार में पढ़े लिखे नेता सबसे ज्यादा होंगे। डॉक्टर्स और वकील इस सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। वहीं इन नेताओं को बड़े पद संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनमें से कुछ मुख्य नेता हैं: ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी, पशुपति नाथ पारस, RCP सिंह, अनुप्रिया पटेल, नारायण राणे, हीना गावित, वरुण गांधी, प्रताप सिम्हा, बिजेंद्र सिंह। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सारे सदस्य दिल्ली के लिए निकल गए हैं। शाम 6 बजे मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के कैबिनेट में 19 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की संख्या 53 से बढ़कर 72 हो जाएगी और कैबिनेट बदलाव में कुछ मंत्रियों का पद भी बढ़ जाएगा। मोदी कैबिनेट में फिलहाल 53 मंत्री शामिल हैं, जबकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 81 मंत्री रह सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो PM मोदी के मंत्रिमंडल में अभी 28 और मंत्री बनाने जाने की संभावना है। क्या कुछ बदला जाएगा मोदी सरकार में, ये बात 7 जुलाई को शाम तक तय हो जाएगा। पर एक बात जो अभी से तय है वो ये है कि इस फेरबदल से आने वाले दिनों में सरकार और मजबूत होगी, और इसी के साथ विपक्ष को भी अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में क्या कुछ रहेगा खास, इसकी सटीक और सबसे तेज जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया खबर लाइव पर।